दो तीन जगह जो लोग पार्टी के खिलाफ जिन्होंने नॉमिनेशन किया है उनसे बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि पार्टी लीडरशिप इस मसले को सुलझा लेगी और मिलजुल के जो है सभी कार्यकर्ता नेता मिलजुल के इन चुनावों को लड़ेंगे। और जहां और बहुत सारी लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन भाजपा का 5 साल का कार्यकाल था, लोगों को सपने बहुत दिखाए गए, वादे बहुत किए गए, वो आपस में लड़ाई झगड़े में निकल गया। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर बदलाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और उस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में फैसले लिए हैं विकास के लिए और बड़ा विजन जो है रखा है। मुझे उम्मीद है कि हम शिमला नगर निगम में भी जो साफ विकास की दृष्टि से पिछड़ गया है उसको दोबारा से विकास की पटरी पर लाने के लिए शिमला में लोग जो है कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ जाएंगे और जो विकास हुआ है या जो अगला विजन है प्रदेश की राजधानी को सुंदर बनाने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की समस्याओं से निजात लाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो के तौर पर भी और कांग्रेस के तौर पर भी शिमला के लोगों के सामने अपना क्लेम कर रहे हैं। पहले भी वो थी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार किया क्या है ये बताने का वक्त उनका है जो 5 साल तक नगर निगम काबिज थे, आज इस समय उनको बताना है क्यों कन्वर्ट कर दिया। स्मार्ट बनाने की दृष्टि से कौन से फैसले हुए, कहां से शिमला स्मार्ट बना, तो ये जवाब जो है भाजपा के लोगों को देना है, शिमला की जनता के साथ जो धोखा हुआ है। हमने तो पहले भी विकास किया है शिमला का, आगे के लिए भी कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करेगी, ये बात साबित है। और हम शिमला को जो है निश्चित तौर पर जो है एक अच्छा राजधानी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। समस्याएं हैं खासतौर पर शिमला में पानी की समस्या है, उसको दूर करेंगे, पार्किंग की समस्या है या रोड को कंजेशन है, शिमला को डीकंजेशन करना है उसको भी बात करेंगे, और बहुत सारी चीजें जो हो सकती है, पर्यटन की दृष्टि से शिमला को और सुंदर कैसे बनाना है कि लोग पूरे देश का और विदेश का जो पर्यटक आता है वो निरंतर आता रहे, उनको सुविधाएं मिले। इसके अलावा भी और लोगों की जो समस्या है, चाहे सीवर लाइन्स की बात है, लोगों के मकान जो कुछ छोटे गरीब लोग रहते हैं जिनके रहने की समस्या है, लोगों की NGT को लेके कुछ समस्या है कि किस प्रकार से उससे सरकार उसको आगे बढ़ाएगी,